अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों हमारे साथ में हमजा भाई फ्रॉम छोटे मियां गोट फार्म। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई। तो हमजा भाई ये वाला आपका सेटअप देखता हो तो दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेंढे ही मेंढे मेंढे ही मेंढे है और तैयारी तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख के क्या बोलेंगे आप? भालू। भालू बोलोगे? क्या शानदार चीज़ है भाई, ज़बरदस्त। ये बिक गया अभी है ना? ये अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में आया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके साथ दो मेंढे और थे, ये तो कर्नाटक बिके तीनों मेंढे। तीनों बकरे एक ही जगह बिके, एक ही जगह बिके कर्नाटक। दो लोड होके वहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी बहुत खुश है, बोले पहली बार भिवंडी से व्यवहार किया, बोले अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बोले बहुत अच्छा लगा। सही, और ऐसी चीज़ देखने का मिली। ये एक जाने के लिए बचा है गाड़ी। क्या क्वालिटी है, ये वीडियो में क्या दिखाएंगे आप? ये वीडियो में विलायती है, कच्ची है, लम्बू में सब है, मिक्स है, सब मिक्स दिखाएंगे। और ये सब पलाई पे अपने पास? ये सब मेंढे पलाई पे सब। ये देखो आप, शानदार सानियन है ना? हाँ सानियन। और यहाँ पर फिटिंग देखो बनोर की, आपकी पलाई में तो मतलब टॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे भी जबरदस्त निकलते हैं इसकी, आप देखो, आप पूरी बनावट देखो। ये मेंढा 40 किलो पे अपन ने दिए थे कस्टमर को अपने ही पास से, अभी दो महीने होएंगे, हुए नहीं अभी तक। मेंढा समझो 53-54 केजी पे खड़ा है दो महीने में। दो महीने के अंदर 14-15 किलो का वेट गेन हुआ है। बहुत शानदार, आपके यहाँ तो मरीनो भी चरीनो बन जाता है। देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है कि नहीं वो? ये क्या है ना, तो ले क्या बात कर रहे हो, ये चरीनो है? हाँ। कितना वजन हो गया इसका? ये 65 केजी समथिंग है कुछ। एक जमाना था फूक मारो तो गिरता था। हाँ। आज ये फूक मारेगा तो अपन अपन गिरेंगे। वाह, तो ये भी पलाई पे है ना? हाँ पलाई पे। अल्लाह कबूल करे ना जो भाई का है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। ये सब पलाई पे मेंढे हैं, जबरदस्त। अच्छा इसमें के कुछ बेचने के मेंढे हैं आपके पास? नहीं अभी। हाँ यहाँ पर है ना ये लाइन अपनी बेचने की, ये मरीनो भी इंशाल्लाह किसी को चाहिए तो दे देंगे। ये अभी सामने वाले को बेचना? हाँ, है कस्टमर को ही बेचना है। ये कितने दांत पे? अभी दो दांत पे रहना चाहिए आसिम भाई, देख लेते हैं ना लाइव वीडियो में एकदम। ये देखो तीसरा चौथा तोड़ा है, निकाल दिया चलेगा। तो आइए अभी बेचने वाले मेंढे दिखाएंगे लोगों को, एक एक करके दोस्तों, एक एक करके आपको बेचने वाले मेंढे दिखाएंगे। फुल क्वालिटी में बकरे हैं। हमारे साथ में वकी भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वकी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम। वकी भाई आपके एक तो स्माइल और आपके लुक्स देख के मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार। वकी भाई हॉलीडे पे थे अभी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकी भाई बहुत अच्छी पलाई चल रही है भाई, क्या बोलना चाहेंगे? मेहनत रंग लाई है। सही है, आपके यहाँ पर जो तैयारी चालू है मेंढों की मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर पिकनिक पे जा रहे हो तुम लोग वन डे? अभी तो जा रहे हैं मैं और वकील भाई जा रहे हैं, बदलापुर जा रहे हैं पिकनिक नहीं, एक हमारे भाई क्या जा रहे हैं। वाह वकील भाई, इसको लमदुम बोलेंगे ना? हाँ आसिम भाई, ये लमदुम में पूरा कर गुलाबी मेंढा है आसिम भाई, बेदाग मेंढा है, बेदाग। क्या शानदार क्वालिटी है, बाल वाल भी कट गए। मैं समझता हूँ शायद अपन ने महीना भर पहले दिखाए थे एकदम, ये भी चरीनो था, अभी आज ये बराबर चमदुम था। चमदुम आपने इसका नाम रखे थे चमदुम, अभी अलमदुम में वो पहचानने में नहीं आता है। वाह दांत कितने हमजा भाई? अदंत है। क्या बात है, दांत ही दांत है, मतलब ये अगर पालना है तो 2025 के लिए बहुत शानदार मेंढा, बहुत बड़ा मेंढा जाएगा। उसकी लेंथ देखो ना आसिम, बहुत बड़ी लेंथ है, मतलब क्या बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है इतनी बड़ी। पूरे गुलाबी जल्दी आते नहीं, पूरा गुलाबी है। वकील भाई क्या वजन आएगा इसका? वजन आसिम भाई मेरे हिसाब से होना चाहिए 50 केजी, 45-50 है, 50 किलो है, बता रहा हूँ, काटा नहीं किया। और ये देखो चारों खुर मार्बल है इसके, यहाँ पूरा बेदाग है। आज अपने पीछे छुप जाएगा, कल अपने को इसके पीछे छुपाएंगे। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। इसकी क्या कीमत करे वकील भाई? इसकी अपन कीमत कर रहे हैं 22,000 रुपये। माशाल्लाह 22,000 रुपये के अंदर बेहतरीन है, बेहतरीन लमदुम दे रहे हैं। 3,000 मेरी तरफ से डिस्काउंट, ऐसे ही दे दे, मैं 25 बोलने वाला था। तो फिर ऐसा बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि हमजा महंगा है। तो इसके लिए अब्बा को फ़ोन करके सौदा करते ना, मैं कम नहीं करता। सही है, शानदार चीज़ दिखा दी है पहली बार में ही। ऐसी और भी चीज़ें एक से एक आपका इंतजार, एक नगीने नायाब नगीने, इसको जान दो भाई और नेक्स्ट मेंढा ले लो। बहुत यूनिक नस्ल दिखा रहे हैं और यूनिक कलर का बच्चा है आसिम भाई। वाह क्या क्या इसकी डिटेल क्या रहेगी वकी भाई? भाई अराउंड 55 केजी पे, 55 केजी पे, और क्या बनावट ले लिया इसने,
मैं भी शायद छह होगा। हाँ बहुत ही शानदार और भरा हुआ बच्चा है। आसिम भाई है मेंढा, ये पंडरपुर पंडरपुर ये मेंढे बहुत रेयर मिलते हैं आसिम भाई अपने यहाँ जी। बच्चे मिल जाते हैं मार्केट में, बड़े नहीं मिलते। हाँ बड़े जल्दी मिलते नहीं है। बहुत शौक, बहुत शौकिया रखते हैं मेंढे में, बहुत बनावट वाला है। नहीं इनका कहता बकरीद के लोग ये मेंढे ढूंढते हैं आसिम भाई के, इनका घोष बहुत अच्छा होता है। सही कहा आपने, और आई थिंक इसका सौदा चल भी रहा है आपको। हाँ सौदा चल भी रहा है क्योंकि अभी अभी मेरे सामने कस्टमर आए थे। इंशाल्लाह डन भी हो जाएगा, कभी अगर नहीं डन होता तो अगर किसको खरीदना है वीडियो में डाल दे रहे। कितने में देंगे ये मेंढा? आप वैसे में दे देंगे 22,000 रुपये। 22,000 रुपये में लगभग 55 किलो तो आएगा ही आएगा। और पूरी फिटिंग देखो आप, ये आपके फीट की दाने का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानवर पेट भर दाना खाते, उसके बाद ही कैरी ढूंढ के आगे से हटाते हैं। अच्छा इनको ही पत्ते देते हो आप? नहीं इनको पत्ते नहीं देते, इनको पत्ती देते हैं। हरी पत्ती? हाँ पत्ती देते। गोश्त का जो आसिम भाई मैंने बोला ना, गोश्त का जी इससे लजीज गोश्त किसी का नहीं है। सही कहा आपने, पूरे इंडिया में क्या बात कर रहे हैं पंडरपुरी। ये जितने जानवर अपन दिखाएंगे ना किसमें भी लेकिन नहीं। इधर लालू सेठ की याद आ गई, इसके लिए बकरीद के ना लोग ये मेंढे बहुत पसंद करते। सही, जल्दी दाती मेंढे मिलते ही नहीं आसिम भाई। बहुत बड़ी बात है कि ऐसा मेंढा है 22,000 में 55 किलो का मेंढा, बहुत उम्दा। और कुछ निगोशिएट तो करेंगे, करेंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जल्द से जल्द बुक करें। पलाई का चार्ज क्या लेंगे इसका? इसका आसिम भाई 3,000। 3,000 रुपये लेंगे इंशाल्लाह। ये आपको जहाँ पलवाना है और भी पलवा सकते हैं, इसको ले जाओ भाई। अभी नेक्स्ट मेंढा लो। हमजा भाई का फेवरेट मेंढा आ गया भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह, एकदम इंडोनेशियन है। पूरा पूरा इंडोनेशिया, चाइना सिंह जस्ट लुकिंग लाइक एन इंडोनेशियन। छह दांत पे आसिम भाई, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। छह दांत पे कौन हमजा के? अरे ये देखो सिंह मिंग देखो, छह दांत के मेंढे को ही आती है। अच्छा जाने मेरे को तो लगा के हमजा की बात। ये अदंत है क्योंकि मैं तो इसका वीडियो बना ही रहा हूँ ना। बहुत ज़बरदस्त सिक्के, इसका फ्यूचर क्या वो तो अल्लाह की मर्जी है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा फ्यूचर है आसिम भाई माशाल्लाह। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पहले वीडियो से, ये हाइट भी लिया है भाई बहुत माशाल्लाह। चार मेंढे पालने का तो एक पालो, ये पालो। आप जो बात बोलते हो ना बहुत उम्दा बात बोलते हो, क्योंकि आप माशाल्लाह भिवंडी के सदर भी है। आप बोलते हो कि ऐसी चीज़ पालो, अगर पलाई का पैसा दे रहे हो तो वो आपको रिटर्न देना चाहिए, वर्थ होना चाहिए। इसी ताल्लुक से पब्लिक को भी अच्छी देते हैं, ट्रेडर को भी अच्छी देते हैं। अभी जैसे भिवंडी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नंबर वन ट्रेड होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पर कुछ बातें वजन को लेकर या ऐसी आती हैं, तो क्या आपको भी उसके लिए फोन तो आते ही होंगे? बहुत आसिम भाई कॉल आते हैं वजन के ताल्लुक से भी, वो काफ़ी मेटर्स के लिए फ़ोन आते हैं। वजन का तो समझो एक इशू है, 2-5 किलो 10 किलो फर्क का आदमी को नहीं बोलना चाहिए। कॉल मेरे को ताल्लुक से जो करता है वो एक सदारत के ताल्लुक से लोग मुझे कॉल करते हैं। हाँ क्या आप उसका मैटर जो रहेगा सॉल्व कराएंगे? भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई लगभग कोई ट्रेडर बुरा नहीं है, कोई चोर नहीं है, बराबर। हर आदमी अपने लेवल पे अच्छा धंधा करे, एक आध आदमी बुरा रहता है तो उसके लिए पूरा भिवंडी बदनाम नहीं होएगा। सही बात है, ये तो हर जगह की बात है ना, हनुमानगढ़ हो अलवर हो। दो आदमी की वजह से आसिम भाई पूरा शहर बदनाम नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, और हम लोग तो किसी को कोई गलत को जो सपोर्ट करते नहीं आसिम भाई। सही है, अभी बीच में वीडियो में कोई बंदा बोल दिया कि मेरे ताल्लुक से कोई फोन है तो मुझे करो, तो तुम फोन नहीं उठाओगे? अगर किसी का तुम माल लियो, एक एक बकरा तुम 2 जन को बेच रहे हो, 3 जन को बेच रहे हो, उसके बाद फोन नहीं उठाओगे तो इसका जवाबदार आसिम भाई कोई तो लेगा ना भिवंडी में। तो आप और आपको तो करेंगे लोग, क्योंकि बेसिक सी बात है कि आप अध्यक्ष हो मतलब यहाँ के। मुझे भी करेंगे और दूसरे ट्रेडर्स लालू भाई को भी करेंगे, बाकी लोग को भी करेंगे। उसको मैं तो बोलता हूँ कोई यूट्यूबर भी सपोर्ट मत करो और ना कोई ट्रेडर सपोर्ट करो ऐसे बंदे को। सही है, तो शहर के हक की बात है भिवंडी में कोई ट्रेडर बुरा नहीं है, और अल्लाह ने जाने इंशाल्लाह कोई किसी का 1 रुपया खाएगा नहीं है, मेरा वादा है। बस अल्लाह का शुक्र है, हाँ मैं खाने दूंगा भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त बात बोले आपने, वो कोई यूट्यूबर हो या कोई ट्रेडर हो मैं खाने दूंगा भी नहीं आसिम भाई। सही है, क्योंकि अपने को हम लोग का शहर एकदम ईमानदारी से चल रहा है, अल्लाह करे वैसे ही कायम रहे। आमीन आमीन, दुआ करें। खराब की वजह से सब बदनाम नहीं हो सकते। सही है, तो वकील भाई वापस से इस पर आ जाता हूँ मैं अभी। क्या क्वालिटी है सिंह की, सिंह के बारे में क्या बोलोगे आप? सिंह तो आसिम भाई इसकी माशाल्लाह सिंह है। ये जब बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ और समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। इसके सिक्के आसिम भाई अभी ये ऐसे हाथ में नहीं आते, ये देखो ये पूरा हाथ डाला आसिम भाई उंगली। देखो अजरत इंडोनेशिया, अजरत ने भी बोल दिया भाई, अब बात खत्म हो गई हमारे माशाल्लाह शाह फजल भाई की, तो बात एकदम
माशाल्लाह इंशाल्लाह हजरत का बैंटम भी खड़ा है पीछे देख लो। बिक गया के बेचने है बेचने चले। तो इसका क्या रेट खोल रहे आप या क्या बता रहे हैं? अपन मांग रहे 35,000। 35 पर मेंढा वर्थ है। हाँ भाई अच्छी लंबी लेंथ है, बड़ी क्वालिटी का है। और सी के अंदर शेड आया ना ब्लैक कलर का शेड, हाँ वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। वो मैं निजाम भाई को मजाक में पूछता हूँ क्या रात में कलर किया गया, वो अमजा को पूछना पड़ेगा। सही। तो हमजा भाई इसको बांध दो और नेक्स्ट मेंढा ले लो। हाँ ये मेंढा इंडिया में कहीं भी देखता हूँ एक ही आदमी की याद आती है, वो है वकी भाई। वकी भाई के ऐसे मेंढा हजरत गए 125-130 किलो के। ये हमारे हजरत बताएंगे, बताइए जरा वकी भाई। पर मैं इनके अपने को नहीं समझ है। अब मैं तो कच भी बोल देता इस वक्त है ना, शिकार कच में अपन जो है बोल भी देते ऐसे में। बहुत बारीक और अच्छे रुए का बच्चा है, बहुत और शानदार बच्चा है, बड़ी बेटी का बच्चा है ऐसे में। क्या डिटेल पे रहेगा ये? दो दांत। वजन क्या है इसका? ये वजन होगा ऐसे में 55 से 60 किलो होगा। हाँ वेट किया हुआ है 55 kg तो आज से 15 दिन पहले। मेरे को तो लगता है 60 किलो होएगा ये इंशाल्लाह। 15 दिन पहले 55 किलो का वेट किया हुआ है, अभी तो इंशाल्लाह प्लस ही रहेगा। 60 प्लस ही आएगा इंशाल्लाह। 60 ही पकड़ो चलेगा। तो ये कितने में देना आपको? ये हमजा बोलेगा। बोलिए हमजा भाई। 23,000 रुपये में दे दें। क्या बात है, तो लुटा रहा है आज आप, मतलब आपसे भी सस्ता हो जाओ। बकरी को 3.5-4 महीने बचे होंगे, 3 महीने जो भी एक्सपायर। अगर 55 भी मानो तो ये कितना बोले रेट आपने? 23,000। ओनली 23,000। और ये मेंढा आसिम भाई अच्छे पलाई जहाँ पे भी रहेगा, मेरा रहे या कहीं और, अच्छे से खिलाने वाला रहे मेंढा 80-90 किलो हंसते हंसते चले जाएगा आसिम भाई। बहुत नायाब और तार गुलाबी व्हाइट मेंढा आसिम भाई, पूरा बेदाग है मेंढे को, कोई दाग नहीं है। को बांध दीजिए अभी और नेक्स्ट मेंढा ले जाओ। लोगों को लगेगा कि जानवर रिपीट हो रहा है, ये दूसरा मेंढा है ना भाई, दूसरा मेंढा है। और ये उससे भी हैवी दिख रहा है मेरे को। ये भी मेंढा आसिम भाई मेरी 65-70 के लिए। वाह देखे, बहुत बड़ी बात है। ये भी आसिम भाई कमी है, देख लेते ना एक बार। दो दांत। और ये नस्ल कच्ची भी आसिम भाई कच्ची में ही है, कच्च में ही आएगा। ये सब कुर्बानी के लिए पालने वाले बच्चे हैं। ये सब पालने वाले, अपना तो वाइट जानवर का तो आसिम भाई बहुत शौकी है अपने को। सही, सफेद मेंढों का अपने को काफ़ी। और ये हाइट का भी अच्छा है, हाइट का भी अच्छा है, लेंथ का अच्छा है, बड़ी पेटी का बच्चा है, बहुत बड़े फ्रेम का बच्चा है। और ये कितने में देना है आपको? ये मेंढा आसिम भाई अपन दे देंगे 35,000 रुपये का। 35,000 रुपीज में अगर कोई ये और वो जो इससे पहले दिखाए हो जोड़ी में मांगेगा तो भी दे, जोड़ी में मांगेंगे तो आसिम भाई अपन देंगे एक ही रेट देंगे आसिम भाई। फाइनल दोनों मेंढे आसिम भाई अपन दे देंगे 57,000 रुपये। 57। सही है, जिसमें दो मेंढे आ रहे हैं। हाँ एक 70-75 kg का, एक 55। 55,000 के दे देंगे आसिम भाई दोनों। 55,000 में 65-70 किलो बोले अपन। सही है, दोनों साथ में दिखा लो दोनों मेंढे। दोनों मेंढे एक बार बांधो उसको मैं साथ में दिखाता हूँ। 55,000 फाइनल है, दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं साथ में खड़े हैं। ये देखो ये और ये। हमजा भाई एक बार नंबर बोलो आपका। 777-00-20783। और अब्बा का नंबर? 8793-33-5662। दोस्तों आप लोग कांटेक्ट करें, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको विलायती गैंग दिखा रहे हैं, और भी वीडियो चलती रहेंगी एक से एक बकरों और मेंढों के साथ।